एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन योर चेतना। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि आपको मेरा लुक देख के पता चल गया होगा कि मैंने एक गजरा लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई मेकअप बताने नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को गजरा कैसे लगाते हैं वो बताने जा रही हूँ। क्योंकि अभी क्या है, वेडिंग सीजन आने वाला है, तो काफी सारे लोगों को गजरा बहुत पसंद होता है। तो मोस्ट ऑफ लोग सोचते हैं कि हमारा फेस थोड़ा बड़ा है या स्लिम है, हम पे गजरा अच्छा नहीं लगेगा। वॉट एवर, उनके जो भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरीके से गजरा कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगी। बालों में गजरा लगाने के लिए आपको 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा गजरा चाहिए और कुछ ब्लैक हेयर पिन की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहें तो टिकटॉक वाली जो हेयर पिन आती है वो भी यूज कर सकते हैं, या जो नॉर्मल ब्लैक पिन होती है वो भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप की आपकी ब्लैक पिन की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और एक कॉम की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत ही बेसिक है। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को गजरा कैसे बालों में अप्लाई करते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको हेयर का 2 पार्टीशन कर देना है और आपको जो है कॉम, अच्छे से कॉम कर लेना है हेयर्स को। उसके बाद में आपको जो है एक रबर बैंड लेना है और नॉर्मल सिंपल बन बनाना है। और उससे पहले आपको अगर पीछे की साइड से बाल थोड़े ऊपर लगे तो आप कॉम की हेल्प से इसको सेट कर सकते हैं। देन इसको नॉर्मल राउंड करके इससे बन बनाना है। तरीके से राउंड करके आपको एक नॉर्मल बन बनाना है। देन आपको एक ब्लैक रबर बैंड लेना है। आपको ऊपर, ये आपको साइज देखना है, आपको बहुत ऊपर बन नहीं बनाना है, एकदम नेक जो होता है उसे थोड़ा सा ऊपर बनाना है। आप बहुत ऊपर बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको साइज का हमेशा ध्यान रखना है। देन आपको रबर बैंड अप्लाई कर देना है ब्लैक कलर का। ये मेरा फर्स्ट मेथड था और इसके ऊपर, इस बन के ऊपर गजरा अप्लाई कर देना है, वो आप मेरे सेकंड मेथड के बाद में देखोगे। सेकंड मेथड जो है मेरा, उसमें आपको नॉर्मल फ्लिक्स को लेना है और पिन से स्टिक कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपनी दूसरी साइड भी हल्के से फ्लिक्स लेकर उन्हें पिन से स्टिक कर दूंगी। देन उसके बाद मैं अपने हेयर को पीछे की साइड करके अगेन एक सिंपल सा बन बना लूंगी। इस तरीके से बन बना लिया है मैंने। अगेन मैं रबर बैंड लूंगी ब्लैक कलर का और इस तरीके से बन को पैक कर लूंगी रबर बैंड की हेल्प से। अगेन आपको साइज देखना है, नेक से थोड़ा सा ऊपर ही बनाना है, बहुत ऊपर इसको नहीं बना लेना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए नेक के बीच में। अब आपको गजरा लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मीटर से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में आपको जहाँ पे आप गजरा लगाना स्टार्ट करते हो वहाँ पे आपको पिन की हेल्प से उसे स्टिक कर देना है। देन इसको फोल्ड करते हुए आपको पूरे बन पे इसे लगा देना है। इस तरीके से फोल्ड करना है आपको गजरे को बन के चारों ओर। अगर आपका 1 मीटर होता है तो आपका यहाँ तक ही रैप हो पाता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है ताकि आप इसके चारों ओर से एक्स्ट्रा जो है बन के चारों ओर एक्स्ट्रा लगा सको। तो इससे क्या होता है कि हैवी गजरा बन दिखता है, तो बहुत सुंदर दिखता है। देन आपको गजरे को एंड करते टाइम पे अगेन पिन से स्टिक कर देना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका गजरा बन बन जाएगा, एक हैवी गजरा बन लग रहा है। और अगर आप 1.5 मीटर से और बड़ा गजरा लोगे तो और बड़ा बन जाएगा, जो कि बहुत सुंदर दिखेगा। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहा है, ये वेडिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा। सो गाइस, ये था मेरा गजरा अप्लाई करने का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इन लोगों को लगता है कि हमारे फेस पर गजरा अच्छा नहीं लगेगा, हमारे पे बन अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई करना, आप लोगों पे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।